આટલા બાળકો. હવે આજે આપણે હિન્દીનો અભ્યાસ કરવાનો છે, બરાબર. તમારે ઘરે બેઠા બેઠા આ વિડીયો જોવાનો છે, આ વાર્તા સાંભળવાની છે, અને વાલીઓ પણ આ વિડીયો છે એ પોતાના બાળકોને જોવા આપે, જેથી કરીને એનો અભ્યાસક્રમ છે એ જળવાઈ રહે. તો આમાં હિન્દીમાં આપણે ધોરણ 6 બરાબર એકમ છે 3 સમજદાર નન્હી, કહાની છે. બહુ થી રસપ્રદ કહાની છે, બહુ થી સમજદાર કહાની છે. ઇસ કહાની સે હમે એક અચ્છી સીખ મિલતી હૈ કે હમે અપના જીવન કૈસે જીના ચાહીએ. એક જીવન લક્ષી કહાની હૈ કે સમજદાર નન્હી બચ્ચે જો નન્હી હૈ યે બતક કા બચ્ચા હૈ જો પાણી હોતા હૈ પાણી પાણી મેં હમને એસી બતક દેખી હોતી હૈ પાણી મેં બતક ये बतख जो पक्षी है तो उसका जो बच्चा होता है उसे नन्ही है बतख का बच्चा. तो नन्ही एक दिन बराबर इसमें चित्र भी दिया है नन्ही का. देखिए नन्ही क्या है, नन्ही बराबर बतख का बच्चा. नन्ही बतख तट पर आए तो उसने देखा कि बिच्छू दलदल में फंसा. एक दिन हुआ नन्ही का बच्चा घूमने निकल जाता है, तो घूमते घूमते हुए रास्ते में देखता है कि एक जो बिच्छू है, बिच्छू दलदल में घुस जाता है. दलदल होता है पादव, जिसको हम पादव और कीचड़ कहते हैं. तो दलदल में फंस जाता है, पादों में फंस जाता है और निकलने की कोशिश करता है लेकिन निकल नहीं सकता है. पादो होता है, पादों में जो हम फंस जाते हैं तो हम बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो हम उसमें अंदर घुस जाते हैं. तो बिच्छू भी बाहर निकलने की कोशिश करता है लेकिन बिच्छू बाहर नहीं निकल पाता है. तो बिच्छू ने देखा कि सामने से नन्ही आ रही है. उसने नन्ही से कहा कि नन्ही मुझे बचाओ. नन्ही से क्या कहा, प्रार्थना की, नन्ही मुझे बचाओ. नन्ही को उस पर दया आ गई. नन्ही ने सोचा कुछ बात नहीं, ये दलदल में फंस गया था, मैं इसके जो जीव है वो बचाता हूं मैं इसे. तो नन्ही ने उसे पकड़ के दलदल से निकालकर सूखे स्थान पर रख दिया. बस दलदल में फंस गया, वहां से सूखे स्थान पर रख दिया. बिच्छू बच गया और बिच्छू नन्ही के आगे आगे दौड़ा. नन्ही को आगे जाके
डंक मारने के लिए बोला। ननी सोचती है कि अरे बिच्छू, मैंने तुम्हारी जान बचाई, मैं तुम्हें इस कादव में से नहीं निकालता तो तुम यहां पर मर जाते। मैंने तुम्हारी जान बचाई है, फिर भी तुमने मुझे डंक मारा। तो बिच्छू कहता है कि यह तो मेरा स्वभाव है, डंक मारना मेरा स्वभाव है, इसलिए मैंने डंक मारा। सभी का कोई ना कोई स्वभाव होता है, जो स्वभाव होता है ना वो बदल नहीं सकता। स्वभाव प्रकृति, जिस व्यक्ति की जो जीव की जो प्रकृति होती है, जो स्वभाव होता है, उसको छोड़ना बहुत ही मुश्किल है। स्वभाव किसी भी व्यक्ति को गुलाम बना सकता है। जैसे किसी आदमी को बात बात में कुछ बुरे शब्द बोलने की आदत होती है तो उसे छोड़ नहीं सकता है। कोई आदमी को बहुत जोर से बोलने का आदत होती है तो उसे वो छोड़ नहीं सकता है। किसी को बहुत ही क्रोध आ जाता है, कुछ कोई कह देता है तो बात बात में क्रोध आ जाता है, तो उसे इस आदत को छोड़ना बहुत ही मुश्किल काम है। तो सब में कुछ ना कुछ तो प्रकृति के ऐसा जो प्राकृतिक गुण होता है कि वो स्वभाव जाता नहीं। जिस प्रकार नीम होता है कड़वा होता है, बराबर, नीम कड़वा होता है तो उसका कड़वा उसका स्वभाव है, करेला कड़वा होता है उसका स्वभाव है। आप नीम को कहीं पर भी आप बोए, बराबर, तो उसमें जो रस निकलेगा वो कड़वा ही निकलेगा। करेला को आप कहीं पर भी बोइए, उसका स्वाद तो कड़वा ही आएगा। आप करेला का एक बीज है गन्ने का, उसमें जमीन पर एक गड्ढा करने का, उस गड्ढे में थोड़ा गुड़ डालना, थोड़ी चीनी डालना, चीनी बीच में थोड़ी माटी डालना, और उसमें करेला का बीज बोना, तो उग जाएगा, बड़ा होगा, उसमें करेला आएंगे। करेला को हमने किसमें बोया था? चीनी और गुड़, जैसे मीठे में, मीठी वस्तु में उसको उगाया था। लेकिन करेला जो आएगा वो तो कैसा आएगा? कड़वा ही आएगा। तो स्वभाव है वो छोड़ना बहुत ही मुश्किल काम है। तो ननी को बहुत ही दुख होता है कि मैंने इसकी जान बचाई और इसने मुझे डक मारा। ननी तो सत्य सत्य चली जाती है, बिच्छू भी डक मार कर चला जाता है। ननी अपने घर पे जाती है तो उसकी माँ बोलती है, बेटा कहाँ गई थी? तो ननी कहते कि मैं तो इधर घूमने के लिए गई थी, तो रास्ते में एक बिच्छू मिला, वो दलदल में फंस गया था, उसे निकालने में मैं उसकी मदद करने के लिए मैं थोड़ी देर रुक गई, तो घर आने में मुझे देरी हो गई। उसकी माँ तो बहुत ही प्रसन्न होती है, कहती वाह बेटे, ये तो तुम्हारा बहुत ही अच्छा काम है, किसी को मदद करना हमारा कर्तव्य है, हमें किसी को दुख में मदद करना चाहिए। कोई व्यक्ति को दुख हो तो दुख में हमें उसे मदद करना चाहिए। लेकिन ननी कहते है कि माँ, मैंने उसकी जान बचाई तो बिच्छू ने मुझे डंक मारा। उसकी माँ भी जानती है कि बेटे, यह तो बिच्छू का स्वभाव है, तुम कितनी बार उसे बचाओ, बार बार वो तुम्हें डंक मारेगा, क्योंकि डंक मारना उसका स्वभाव है। तो ननी कहती है कि माँ, मैं उसकी ये बुरी आदत को एक दिन छुड़ा कर ही रहूंगी, मैं उसकी ये बुरी आदत को एक दिन
छुड़ा कर रहोगी। बाबा एक दिन फिर से ननी होती है, घूमने के लिए जाती है, फिरती 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 इधर जाते तो रास्ते में देखता है कि बिच्छू सामने से आ रहा है। इस बार ऐसा होगा, बिच्छू होता है और जो पानी की धारा होती है, पानी की धारा में बहने लगता है। पानी की धारा होती है, पानी बहता है तो बहता है, पानी में बिच्छू चला जाता है उस धारा में, और धारा में पानी में बिच्छू डूबने लगता है। बिच्छू क्या करता है, पानी में जाता है तो डूब जाते हैं। बिच्छू को तैरना तो आता नहीं है, और जिसको तैरना नहीं आता वो पानी में डूब जाते हैं। हमें कभी पानी में नहीं जाना चाहिए, पानी का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, वरना हमारी हालत भी इस बिच्छू की तरह होती है। तो बिच्छू पानी में डूबने लगता है और देखता है कि सामने से कौन आ रहा है, ननी आ रही है। बिच्छू कहता है, ननी ननी मुझे बचाओ बचाओ, ननी मुझे बचाओ मुझे बचाओ, बिच्छू ऐसा कहता है। तो ननी तो मन में विचार सोचती है कि इस बार तो मैं तुम्हें नहीं बचाऊंगी, क्योंकि मैं तुम्हें बचाती हूँ तो तुम मुझे डंक मारते हो। तो बिच्छू कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें मुझे बचा लो, मुझे पानी से बाहर निकालो, मैं मर जाऊंगा। ऐसी बात ये सुनकर ननी को फिर से दया आ जाती है। ननी कहते है, कोई बात नहीं, चलो इस बार भी मैं तुम्हें इस पानी से बचाता हूँ। ननी ने बिच्छू को उठाकर, चोट से उठाकर सूखे स्थान पर रख दिया। फिर भी क्या होता है, रखता है तो बिच्छू धीमे धीमे ननी के सामने बढ़ता है, क्यों, काटने के लिए, उसे डंक मारने के लिए बिच्छू ननी के सामने जाता है। तो ननी कहती है कि क्या करते हो। तो बिच्छू उसे डंक मारने के लिए आगे जाता है, बिच्छू डंक मारने के लिए जाता है, लेकिन वो बिच्छू रुक जाता है। नहीं ननी, तुम जीत गई हो, मैं तुम्हें डंक नहीं मारूंगा, क्योंकि तुमने मेरे प्राण बचाए हैं, मुसीबत में तुमने मेरा साथ दिया है, तुमने मुझे दोबारा जीवन दान दिया है, मैं तुम्हें डंक नहीं मारूंगा। और बिच्छू ऐसा भी कहता है कि अब मैं कभी भी किसी निर्दोष व्यक्ति को डंक नहीं मारूंगा, जो हमें काम आते हैं, जो हमारी सहायता करते हैं, हमारी मदद करते हैं, उसका कभी हमें खराब नहीं करना चाहिए। ननी ने उसे दोबारा जीवन दान दिया था। ननी भलाई, ननी कहता है कि बिच्छू डंक मारना तुम्हारा स्वभाव है, तो भलाई करना मेरा स्वभाव है, भलाई करना मेरा स्वभाव है, तुम चाहे अपना स्वभाव नहीं छोड़ो, नहीं छोड़ सकते तो मैं भी मेरा स्वभाव नहीं छोड़ सकती, दया करना मेरा स्वभाव है। तो बिच्छू होता है वो इस बात को सुनकर बहुत ही मन में दुख होता है कि बिच्छू तो सच बोल रही है कि कभी किसी का बुरा करना चाहिए नहीं। तो ननी को कहता है कि मैं भी आपकी तरह हमेशा एक नेक रास्ते पर चलूंगा, सच्चे रास्ते पर चलूंगा, कभी किसी का बुरा नहीं करूंगा, कभी निर्दोष व्यक्ति को मैं डंक नहीं मारूंगा। इस कहानी से हमें यह बोध प्राप्त होता है कि हमें कभी भी किसी का बुरा करना चाहिए नहीं। कोई हमारा बुरा बार बार करे
फिर भी हमें किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। दूसरों की भलाई करो एक बार, दो बार, तीन बार, जितनी बार तुम भलाई करते रहोगे, दूसरा बुरा करता है, हम भलाई करते हैं, तो एक दिन उसको पछतावा होगा कि यार ये मेरा भला करता है, मैं उसका बुरा करता, फिर भी ये भला करता है, तो मुझे उसका बुरा नहीं करना चाहिए। तो एक दिन तो ऐसा आएगा कि वो व्यक्ति बदल जाएगा और समझ जाएगा। तो हमें कभी भी कहते हैं ना कि हमें अपने दुश्मन का भी बुरा नहीं करना चाहिए, हमें अपने दुश्मन का भी बुरा नहीं सोचना चाहिए, सभी का अच्छा करना चाहिए, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमेशा सही बोलना चाहिए, बच्चे को हमेशा सही बोलना चाहिए, बच्चे को कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, कभी गलत बोलना नहीं चाहिए, कभी किसी की वस्तु नहीं लेनी चाहिए, कभी किसी का कभी चोरी नहीं करनी चाहिए, कभी पूछे बिना किसी की वस्तु नहीं लेना चाहिए, कभी पूछे बिना किसी का खाना नहीं चाहिए, कभी हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, तो हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो बस ये कहानी है ननी, समझदार ननी। तो ननी वास्तव में बहुत ही समझदार है कि बिच्छू की बार बार जान बचाती है। तो ये कहानी आप इसमें से पढ़ना, और इसके जो प्रश्न है बराबर इसके प्रश्न है स्वाति के, वो नोटबुक में लिखने का है। जैसे नन्ही कौन थी, नन्ही एक बत्तख का बच्चा थी, बिच्छू कहाँ फंस गया था, बिच्छू कहाँ फंस गया था बच्चे, बिच्छू दलदल में फंस गया था, कहाँ फंस गया था, दलदल में। बिच्छू को क्यों पछतावा हुआ, बिच्छू को क्यों पछतावा हुआ, अंत में हम कहानी में देखते हैं कि बिच्छू को पछतावा होता है कि मैंने, ननी ने मेरी जान बचाई, मैंने उसको डंक मारा, फिर भी ननी ने दोबारा मेरी जान बचाई। तो इस बात से बिच्छू को बहुत ही पछतावा होता है कि हमारी भलाई करने वाला का हमने बुरा किया। ननी ने क्या निश्चय किया, हमने इसमें देखा कि ननी ने क्या निश्चय किया। ननी ने यह निश्चय किया कि एक दिन तो मैं बिच्छू की यह खराब आदत से डंक मारने की वो छुड़ा कर ही रहूंगी। ननी ने मन में यह विचार किया। ननी ने बिच्छू को क्यों बचाया, ननी ने बिच्छू को क्यों बचाया, क्योंकि दूसरे को बचाना, मुसीबत में दूसरे को मदद करना यह ननी का स्वभाव था। उसके माता पिता तरफ से उसे यह संस्कार मिले थे कि हमें किसी को किसी का खराब नहीं करना चाहिए, हमेशा हमेशा दूसरों की भलाई करनी चाहिए। प्रभु ये इसके प्रश्न है स्वादी के एक अंक सठ में जो पूछे जाए, ऐसे ये प्रश्न है तो ये प्रश्न लिखने का है। और इसके इसमें चित्र पदा चित्र भी दिया, चित्र नीचे दिए गए चित्र को देखकर दो दो वाक्य लिखे और कहानी बनाई। देखो ये कहानी का एक चित्र भी है इसमें, ये भी हमें करने का है बराबर, ये किताब में देखने का, किताब तो इस किताब में इस चित्र में हम ये देखते हैं कि इस चित्र में पहला चित्र है जो उसमें एक नीचे नदी बह रही है, झरना नदी बह रही है, और नदी के किनारे पर एक पेड़ है, नदी के किनारे पर एक पेड़ है, पेड़ के ऊपर एक कबूतर बैठा है, क्या बैठा है, पेड़ के ऊपर एक कबूतर बैठा है।
नीचे नदी के तट पर एक चींटी कीड़ी चींटी चल रही है, तो चलते चलते वो पानी में गिर जाती है। पानी में गिर जाती है तो कबूतर ऊपर से एक पत्ता पार पेड़ का पत्ता फेंकता है और कीड़ी उस पत्ते पर बैठ जाती है, पत्ता किनारे पर आ जाता है तो कीड़ी पानी में से किनारे पर चढ़ जाती है। तो इस पहले चित्र में हम देखते हैं कि कीड़ी है वो, चींटी है वो पानी में डूब रही है। और दूसरे चित्र में इसमें जो मैंने पहले कहा, इसमें जो कबूतर होता है, समझदार कबूतर है, ननी की तरह समझदार है, वो कबूतर क्या करता है कि पेड़ में से एक पत्ता लेकर, देखो जो पेड़ में से एक पत्ता लेकर वो बचाने के लिए जाता है, चींटी को बचाने के लिए वो पत्ता रखता है और चींटी उस पत्ते पर बैठ जाती है और कबूतर उस पत्ते को सूखे स्थान पर रख देता है तो चींटी की जान बच जाती है। और इसका चित्र चला गया है, तीसरा जो चित्र है, एक दिन ऐसा आता है कि हमने देखा कि कबूतर ने चींटी की जान बचाई, कबूतर समझदार था, जिस प्रकार ननी ने बिच्छू की जान बचाई थी उसी प्रकार इसमें कबूतर चींटी की जान बचाता है। एक दिन ऐसा होता है कबूतर पेड़ की डाली पर बैठा होता है, देखो इस चित्र में कबूतर पेड़ की डाली पर बैठा है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि एक शिकारी आता है, शिकारी कबूतर को मारने के लिए गोली चलाता है, शिकारी ऐसे बंदूक ताकता है कबूतर को मारने के लिए। चींटी देख जाती है कि ये कबूतर को मारने के लिए बंदूक ताक रहा है, तो चींटी क्या करती है, जो शिकारी गोली मारने के लिए तैयार था इसे निशाना ले रहा था तो चींटी जाके का शिकारी के पेड़ में काटती है, तो शिकारी निशान चूक जाता है और ऐसे ऐसे नीचे करने जाता है तो निशान चूक जाता है, कबूतर उड़ जाता है, कबूतर बच जाता है। देखो ये कीड़ी चींटी ने कबूतर की जान बचाई, देखा यह नीचे शिकारी अपना निशान चूक गया है। तो इस कहानी से हमें ये बोध प्राप्त होता है कि हमें भी, हम जो दूसरे पे भलाई करते हैं तो दूसरे हमारी भलाई करते हैं। कबूतर ने चींटी की जान बचाई तो चींटी ने कबूतर की जान बचाई, बराबर। तो ये कहानी है चींटी और कबूतर, यह कहानी भी आपको लिखने का है और याद रखने का है। अगर इसमें जो किताब पढ़ने का है इसमें कोई समझ में नहीं आए तो आप मुझे फोन कर सकते हैं, आप किताब पढ़ेंगे तो आप इसमें से बहुत माहिती इसमें से आपको प्राप्त हो जाएगी। हमें थोड़ों का गुजराती में तमने कह दो बाड़को के समझदार ननी, बराबर। एक बतकनु बच्चू हतु, बतकनु बच्चू आम फरवा गयू, ફરતા ફરતા એને જોયું કે બતક ના બચ્ચા, એ જોયું કે એક વિચ્છી હતો એ કાદવમાં ફસાઈ ગયો હતો, એક વિચ્છી હતો એ કાદવમાં ફસાઈ ગયો હતો, હવે આ નની હે
बिच्छू खूब कीधु बचाओ 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 એવું બિચ્છું બોલતો હતો, એટલે નની ને બિચ્છું ઉપર શું આવી દઈ આવી, એટલે એને ચાંચ થી પકડી વિછી ને દલદલ કાદવ માંથી કાઢીને સુખા સ્થાન ઉપર રાખી દીધી. પછી શું કરે હે, વિછી હોય છે એ નની ને બટકું ભરવા માટે ડંખ મારવા માટે આગળ જઈ છે અને નની ને ડંખ મારે છે. નની કે છે કે બિચ્છુ મેં તને તારી જાન બચાવી, જો મેં તને કાદવ માંથી ન કાઢી હોત બરાબર તો તું મરી જા, મેં તારી જાન બચાવી અને તે મને ડંખ માર્યો. પણ બિચ્છુ હોય છે એ ત્યાંથી હલવા માંડે હે, આ તો મારો સ્વભાવ છે, ડંખ મારો એ તો મારો સ્વભાવ છે, એટલે મેં તને ડંખ માર્યો. પછી આવતો જેને નની હોય છે એ ઘર તરફ જાય છે. ઘરે જઈને એના માતા એને પૂછે હે, બતાવ કે કેમ નની ક્યાં ગઈ હતી, કેમ મળું છું બેટા? તો નની એ કીધું, હું તો રસ્તામાં એક બિચ્છું મળ્યો મને, એ કાદવ ની અંદર ફસાઈ ગયો હતો અને એ બિચ્છી ને બચાવવા માટે હું રોકાણી એટલે મોડું થઈ ગયું. એના મમ્મી કે વાહ બેટા, ખૂબ જ સારી વાત કહેવાય કે આપણે બીજાને જીવનમાં મદદ કરવી જોઈએ, બીજાને આપણે દુઃખમાં મદદ કરવી જોઈએ. મને ઘણો આનંદ થયો કે વિછીની જાન બચાવી, તેને મદદ કરી. પણ નની કે મમ્મી મેં એની જાન બચાવી પણ વિછીએ મને ડંખ માર્યો. તો માતા કહે કે બેટા એ તો વિછીનો સ્વભાવ છે, ડંખ મારો એ તો વિછીનો સ્વભાવ છે, એ સ્વભાવ કોઈ દિવસ છોડી શકે નહીં. પણ નની કે ના માં, હું એક દિવસ એની આ ખરાબ આદત છે એ છોડાવીને જ રહીશ, હું એની આ ખરાબ આદત એક દિવસ જરૂર છોડાવીશ. અને ત્યાર પછી એવું બને છે કે પાછા થોડા દિવસ પછી નની હોય છે એ રસ્તે જાય છે ફરવા, ફરતા ફરતા એને જોયું કે સામેથી વીછી આવતો હોય છે. વીછી આવતો હોય છે, વીછી આવતા આવતા એ પાણીની જે એક ધારા વહેતી હોય છે એ તારાની અંદર લપસી જાય છે અને પાણીની સાથે તણાવા લાગે છે. હવે એને પાણીની અંદર તણાવા લાગ્યો, ડૂબવા લાગ્યો વીછી. વીછી ડૂબ ફરી એને જોયું કે સામેથી નની આવતી હતી. વીછીએ કીધું બચાવો બચાવો બચાવો, કોઈ મને બચાવો, સામેથી નની આવી કિનારા ઉપર એને ઉભી રહી ગઈ. કા બીછો ભાઈ, હું બહુ મજા આવે ને, હું થયું? પ્રાર્થના કરવા માંડી નનીને મનમાંથી કે હું હવે આને બચાવું નહીં, હું આને બચાવીશ તો મને પાછો ડંખ મારશે. પણ નનીએ કીધું કે ના, મારા માતા પિતાએ મને કીધું છે કે આપણે બીજાને દુઃખમાં મદદ કરાય, એટલે હું આને બચાવીશ. એટલે એ વિછીને ચાંચથી પકડીને પાછી પાણીમાંથી સુકા સ્થાન ઉપર મૂકી દે છે. પાછો વિછી તો એના સ્વભાવ પ્રમાણે એને ડંખ મારવા આગળ દોડે છે. આગળ દોડે બાજુમાં જઈને વિછી હોય છે ઉભો રહી જાય છે. નની કે ડંખ મારો, વિછુ કે ના, નની તો જીતી ગઈ, પેલી વખતે તે મારા પ્રાણ બચાવ્યા હતા, મેં તને ડંખ માર્યો, આ વખતે તે મારા પ્રાણ બચાવ્યા, હું તને ડંખ મારા આવતો હતો, તે મારો જીવ બચાવ્યો હે, તે શું કામ મારો જીવ બચાવ્યો? તો નની કે જીવ બચાવો ને એ તો મારો સ્વભાવ છે, જેવી રીતે ડંખ મારવો એ તારો સ્વભાવ છે, તું એ છોડી શકતો નથી, એમ કોઈનો દુઃખમાં જીવ બચાવવો, કોઈના પ્રાણ બચાવવા, દુઃખમાં બીજાને મદદ કરવી મારો સ્વભાવ છે, હું તને મદદ કરવા મારો સ્વભાવ છે, મેં તારો જીવ બચાવ્યો, હવે તારે ડંખ મારો હોય તો માર. તો કે ના, હવે મને સમજાઈ ગયું કે આપણે કોઈ દિવસ કોઈનું ખરાબ કરાય નહીં, જે આપણું સારું કરે એનું આપણે ભલું કરવું જોઈએ, તમે મારો જીવ બચાવ્યો હું તમને ડંખ મારીશ નહીં, હું મારી ખરાબ આદત છે આથી છોડી દઉં છું અને હું તમને વચન આપું છું કે કોઈ પણ નિર્દોષ જીવને હું ડંખ મારીશ નહીં. આવી રીતે
एक ननी नो सारो स्वभाव, समझदार ननी, एक सारो विचार, सारी विचार थी एक बुरे स्वभाव वालो विच्छी, एनो पण स्वभाव में परिवर्तन आवी जाय छे। એટલે આપણે પણ હંમેશા કોઈનું ખરાબ કરાય નહીં, આપણો દુશ્મન હોય તો આપણું ખરાબ આપણે એનું ખરાબ ન કરાય, બીજાનું હંમેશા સારું કરાય, ભલે એ ગમે એટલી વાર આપણું ખરાબ કરે, આપણે સારું કરવાનું સારું કરવાનું સારું કરવાનું। ચોથી વખત એ માણસને પણ એમ થશે કે ના, આ માણસનું હવે મારે ખરાબ કરાય નહીં, હું ખરાબ કરું તો એ સારું કરે છે। એટલે વારંવાર જ્યારે કોઈનું સારું કરવામાં આવે તો ખરાબ માણસ એમાં પણ પરિવર્તન આવી જાય, એ આપણે વાત ઉપરથી જાણવા મળે। બીજું પણ આપણે એક ચિત્ર કહાની જોઈ, એમાં કબૂતર હતું, કબૂતર ઝાડની ડાળી ઉપર બેઠું હતું, બરાબર નીચે કીડી હતી, કીડી કોઈ પવન આવવાથી પાણીની અંદર પડી જાય છે, પાણીની અંદર એ તરવા લાગે છે, બરાબર જ્યારે એ ડૂબવા લાગે છે કીડી પાણીમાં, ત્યારે કબૂતર ઉપરથી જોઈ જાય છે। કબૂતર એ નડીની જેમ સમજદાર હતો, એને એમ થાય કે વા કીડીનો જીવ બચાવ, એ ઝાડ માથે પાંદડું તોડી અને એને કીડી આગળ રાખે છે તો કીડી પાંદડા ઉપર બેસી જાય છે, અને એ પાંદડું હોય છે કબૂતર સૂકી જગ્યા મૂકી આવે છે, કીડીનો જીવ બચી જાય છે। કીડીને ઘણો આનંદ થાય કે વાહ કબૂતર, તમે મારો જીવ બચાવ્યો, આથી તો તમે મારા પાકા મિત્ર, તમે મારા પાકા ભાઈબંધ, કે તમે મને દુઃખમાં મદદ કરી, વાત તમે ન હોત તો મારો જીવ કોણ બચાવે। પછી બને છે એવું, એક વખત એક શિકારી આવે છે, કબૂતરનો શિકાર કરવા માટે કબૂતરને બંદૂક તાકે છે, બંદૂક તાકે છે એટલે કીડી સામે ત્યાં પાછળ ત્યાં આવતી એ કીડી જોઈ જાય છે કે આ શિકારી કબૂતરને મારવા માટે બંદૂક તાકે છે, પણ હું કબૂતરનો જીવ બચાવીશ, એને મારો જીવ બચાવ્યો હતો। એટલે કીડી હોય છે એ શિકારીને પગમાં કાટે છે, બરાબર, અને શિકારી હોય છે એ પોતાનો નિશાન આમ ચૂકી જાય છે, અને પગમાં આમ કરવા જાય છે તા એનું નિશાન ચૂકાઈ જાય છે, કબૂતર અવાજ આવવાથી ઉડી જાય છે, બરાબર। એટલે આવી રીતે કીડીએ પણ કબૂતરની જાન બચાવી। તો આવી રીતે જો એકાબીજાની ભલાઈ કરવામાં આવે, બરાબર, તો આ દુનિયામાં ક્યાંય અસત્ય રહે નહીં, આ દુનિયામાં ક્યાંય ખોટું થાય નહીં, અને બધા એક સારા સંસ્કાર અને સારા માણસો બની શકે, બરાબર। એ આ પાઠ પૂર્ણ થાય છે।